क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 2.5, क्लास एंड मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। एक्सप्रेस एज रुपीस डेसिमल, इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, जितने भी पैसे दे रखे हैं इस पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सेवन पैसा है, हमें मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता, इसका मतलब क्या हुआ, 1 पैसा इज इक्वल टू, सॉरी, 1/100 रुपीस। 1 रुपये किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है, तो 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1/100 रुपीस के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम 1 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करें तो किसके बराबर होगा, 1/100 रुपीस के बराबर। तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपीस, रुपीस का साइन पहले भी लगा देते हैं, इज इक्वल टू, अब 7 को किस में करना है, डेसिमल्स में करना है। डेसिमल्स में कैसे करेंगे, ये कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो राइट हैंड साइड से हम पॉइंट लगाएंगे, किधर लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पहले लगा होता है, तो 7 है, उसके पीछे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो 0.7। तो कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो पॉइंट जो है राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट्स इधर आ जाएगा, लेफ्ट में खिसकता है, तो यहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो इसे इधर पहले भी हम इसे के 0 लगा सकते हैं, 0 पॉइंट, ये 0.7 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, 7 था, एक बार फिर समझ लिए, एक चीज़ समझ में आती तो सारा समझ में आया था, ये 7 था, ठीक है ना। 7 का मतलब होता है 7 पॉइंट, ठीक है ना, ये 7.0, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, 7 का मतलब 7 होता है, या 7.0 या 7.00। उसके नीचे क्या लिखा था, 100 लिखा था, 100 लिखा था, जिस वक्त 2 पॉइंट्स को हम इसको सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, हम 7 से 100 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो बिना डिवाइड करें हमारा क्या तरीका है। तो ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में, जितने जीरो होते हैं उतनी बार खिसकता सकता है, यहाँ से यहाँ पे एक जीरो, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा जीरो है तो एक और इधर आएगा, उसके लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक और जीरो चाहिए, तो ये पॉइंट पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 0.07, और पॉइंट से पहले इधर हम जीरो लगा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। यह बात आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या होता है, 7 रुपीज़, ठीक है ना, ये हमारे रुपीज़ कितने हैं, 7 है, और 7 पैसा, 7 पैसा का मतलब आपके पास 7 रुपये, और 7 पैसे आपके पास अलग ही होंगे ना, तो इसका मतलब वो हमारे पास प्लस में 7 पैसे, रुपीज़ तो 7 हमारे एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 7 पैसेज का मतलब 7/100 लिखा जाएगा, 7/100 हमारे क्या बन जाएंगे, सीधे ये रुपीज़ बन जाएंगे, 7/100 क्या बन गए, रुपीज़ बन गए, क्योंकि 1 रुपीज़ हमें मालूम है, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, यानी कि जितने भी पैसा है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया हमारे, रुपीज़ 7, प्लस उसी तरह 7/100 है, 7/100 का क्या था, 0.07, 0.07, ठीक है ना, और 0.07 में हम इसे जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, रुपीज़ 7.07। समझ में आ गया होगा आपके, नहीं समझ में आया तो ये देख लीजिए, 7 में क्या ऐड करना है, 0.07, 7 के बारे में हमने पहले बताया था, 7 किसके इक्वल होता है, 7 इक्वल होता है 7.0 के, तो 7 को हम क्या लिखेंगे, 7.0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वो इधर लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड में हम एज इट इज लिख लेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं था 7 के, इसके ऊपर भी हम 0 लगा लेते हैं, 7 के पीछे कितने 0 लगा लो वो 7 के इक्वल ही रहता है, ठीक है ना। 7 के बाद का मतलब पॉइंट के बाद, ठीक है ना, अगर 7 के बाद 0 लगाओ तो ये 70 रुपीज़ बन जाएगा, लेकिन ये पॉइंट लगाता है ये 7 रुपीज़ ही रहेगा, 7 के बाद 30 लगा लो तो 700 बन जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, रुपीज़ 7 ही रहेगा, 700 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम पॉइंट के बाद कितने 0 लगा सकते हैं, 7 का 7, 0 का 0, और 7 का 7, ये हमारा ऐड करने का तरीका होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे, तो ये हमारा 7.07 आ गया।
ठीक है ना, 77 रुपीज़ 77 सब में 7 ही 7 है, प्लस 77 पैसा, तो हम इसे लिखेंगे 77 पैसा, ₹77 एज इट इज़ ₹77 प्लस 77/100 रुपीज़ का साइन पहले लगा दिया जाता है, तो कितना हो गया ₹77 प्लस 0.77 रुपीज़, दैट इज इक्वल टू ₹77.77, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये 77 था अपॉन 100 था, दो के बाद पॉइंट लगाना था, एक ही आ गया और एक ही आ गया दो, यानी कि 77 था, 77 पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, उससे पहले हमने जीरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया 0.77। अब 0.77 में क्या ऐड करना है, 77 का मतलब 77.0, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे 70, राइट साइड वाला राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, तो ये हमने लेफ्ट में पॉइंट के लेफ्ट का 77 था, अब इसे ऐड कर लेंगे, तो 7 का 7 पॉइंट का पॉइंट 7 का 7 77.77 रुपीज़ हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव एक मिनट, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या 50 पैसा। चलो अब ये कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर है, फिफ्टी पैसा है, तो कैसे करेंगे इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, रुपीज़ लिखेंगे 50/100 लिख लेंगे, डेट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 0.50, ठीक है, ये उसी तरह हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट इसका क्या कहता है, 235 235 पैसा, ठीक है ना, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ठीक है ना, तो 235 पैसा इज इक्वल टू 235/100 रुपीज़, तो दो के बाद पॉइंट लगेगा राइट साइड पे, एक ही आ गया, यहाँ से यहाँ एक आ गया, यहाँ से यहाँ दो आ गया, तो क्या बनेगा हमारा रुपीज़ 2.35, यानी कि 2.35 रुपये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, इस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें करना क्या है, 1 रुपीज़ किसके बराबर होता है, 1 रुपीज़ हमें मालूम है, 1 रुपीज़ बराबर होता है आपको 100 पैसे का, तो 1 पैसा किसके बराबर होगा, रुपीज़ 1/100, ठीक है ना, 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, उसी को उसी चीज़ से हम डिवाइड कर दिया करते हैं, तो 1/100, तो जब भी हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है उसे हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, 100 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा यहीं ख़त्म होता है, ओके।